बता चुके हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 में मेजर चैप्टर है और क्लास 11 में हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री लगेगा। सबसे पहले केमिस्ट्री में लगता है, केमिस्ट्री भी लगता है, हम दिखाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, फिजिक्स में भी लगता है, ठीक है। तो अभी तक खत्म नहीं होनी चाहिए इंटीग्रेशन, कितना दिन चले तुमको भी नहीं मालूम। देखो सबसे बड़ा चैप्टर ये सर, सारी बाबा मोबाइल नहीं ले रहे, लेंगे लेंगे तो सब कर लेंगे उसके बाद माइनस वन अपॉन एक्स पावर ठीक। कोई सा चीज बताओ छोट क्या कह रहा, ओए आर्यन बेसिक लगेगा उतना ही पढ़ना है, जब पढ़ाते तो मान जा रहा है एक दिन तो बोल देगा इंटीग्रेशन ए मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन बी कर सकते हैं। नहीं समझ।
इंटीग्रेशन ए बी एक्स ऐसा है। हाँ ये तो कांस्टेंट है, पावर में एक्स है नहीं, टैन 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 और साइन है। हाँ बीच में प्लस है तो लिख सकते हो ना, प्लस नहीं ये से इतना इसको ना ये गलत है। इसका क्या करना है? ऐसे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स ये है ना। हाँ। सुनो इसको ध्यान दो, तुम इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। ट्रिग्नोमेट्री लगेगा क्या लगेगा, टेन को साइन बाई कॉस करना होगा तो क्या लगेगा, साइन का पावर फोर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। उसी उसको उसको तो ये कर किए थे। हाँ। उसको सॉल्व करके ये लाए थे, गलत लाए। सर यहाँ पे लगेगा सब्स्टिट्यूशन, क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन, नहीं समझ आइए ये रिजम नहीं होगा इसलिए तो जा रहे हैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन में आने के। अगला क्वेश्चन देखो, समझा रहे हैं क्या था क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन साइन का पावर 6x एक्स प्लस कॉस का पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये नहीं बना चला गया। अरे ये ना बना था, कहाँ चल गया तो कहाँ चला गया, नजर आ रहा है वही मूव करने चला गया। वैसे ही बात करता रहे कौन? हाँ सर ऐसी बात है, नहीं गया था सर, इनपुट वैसे बात करती है क्या, गाली देती है उसको, गाली सुने तो लोग पहले पता है तो लोग बात करने का तरीका सिखाए, अच्छे नहीं तो दूसरे को बदनाम कर, सबसे पहले तो लोग बात करने का तरीका सिखाए। हर टाइम कुछ भी नहीं अच्छा लगता क्या, हर टाइम ही नहीं सर, क्या तू कर जा ले वागे तो ज्यादा ला ले, वो डायरेक्ट रोस्ट कर देती है, वो डायरेक्ट रोस्ट कर देती है, बाप रे। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अरे लिख सकते कि नहीं इसको, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना बेराल, लिख सकते हैं, बोला है ना रिस्पॉन्स देना, ये साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं, वही तो आ रहा है सर, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग जाए। एक काम करो सुनो, मैं सोचो थोड़ा सा दिमाग लेना, साइन को अगर कॉस करते हैं, कॉस को साइन कर दे, साइन को अगर इस कॉस को साइन बना दे तो मजा नहीं आएगा, मैं समझे का कॉम्प्लिकेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, कहीं तो आप सिक्स है। हाँ थ्री पावर थ्री कॉमन ले लें तो 1 टू द पावर 3 हो जाएगा, पावर 3 कॉमन ले लें, तुम a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 में तुम a का पावर 3 कॉमन ले लेगी, नहीं a प्लस b होल पावर 3, अच्छा a प्लस b का होल पावर 3 ले लेगी, अच्छा पूछ रहे हैं ऐसा कुछ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल पावर 3 नहीं, गलत गलत, देखो यहां लगेगा सब्स्टिट्यूशन, क्या लगेगा तो सिखा देते सबसे पहले, क्या लिखा सिखा देते, ठीक है हम वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा डीटी मानेंगे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट नोट कर लो इसको, ठीक है टी डीटी करेंगे हम, उससे पहले कुछ कुछ क्वेश्चन ज्यादा करना हम तो हाई लेवल दे दिएगा कुछ एक क्लास क्वेश्चन, मेरा आदत बहुत खराब है मालूम होता है इतना लेट कहा देर से खाता है। क्वेश्चन देखो, देखो कुछ कुछ तीन चार क्वेश्चन और कराते फिर सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, ठीक है ना, तीन चार क्वेश्चन ज्यादा नहीं, बढ़िया बढ़िया तीन चार क्वेश्चन लेते हैं, तीन चार क्वेश्चन लेते हैं, हाँ वन प्लस कॉस फोर एक्स, वन प्लस उसको पता है तुम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, तो हम बता रहे हैं इसको पहले ट्राई करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, रिजॉल्व करो ट्रिग्नोमेट्री, इतना सिखाए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ इसको, एनालाइज करो जो करना है, हां
ऐसा चीज ना जो इंटीग्रेट हो जाए, ऐसा चीज ला जो इंटीग्रेट हो जाए। ओके, पीछे वाला क्या था, साइन का पावर 6x था और कॉस पावर 3x था, उसे एक काम नहीं कर सकती है जो सारी बात सोचे थी। क्या सोचे थे तुम, उसको साइन स्क्वायर का पावर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर पावर क्यूब कर सकते हो? वही किए थे सर, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी कर सकते हैं, ए स्क्वायर का होल क्यूब। हाँ क्या की थी, ये की थी, इधर बेटा साइन स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा, तो उसमें तो हो जाएगा आराम से, कैसे नहीं होगा, होना तो बनता है। साइन का पावर सिक्स था ना, यही था तो एक है ना, क्या करेंगे इसको, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब है ना माइनस थ्री ए बी है कि नहीं, नीचे भी माइनस थ्री ए बी करना पड़ेगा, ए प्लस बी फॉर्मूला फॉर्मूला एक है ना फॉर्मूला, अरे यही था ना, नहीं ए प्लस बी का होल क्यूब होल क्यूब है ना सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बढ़िया से कर देते लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 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 ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस बी क्यूब, ठीक है समझ में आया, सजा के सेपरेट कर दो, सेपरेट नहीं हो जाएगा ध्यान, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या जाएगा वन, क्या जाएगा वन नहीं हो जाएगा, वन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है कि नहीं, माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा वन डीएक्स नहीं हो जाएगा, समझ में आएंगे क्या हो गया, ये वन हो गया डीएक्स मल्टीप्लाई कर दिए माइनस दिए ये वन हो गया ये से उतार दिए अब दोनों साथ सेपरेट कर दिए है कि नहीं, समझ में आया, अब यहां से क्या बना दिए, वन बाय साइन कॉसेक वन बाय कॉस सिक्स स्क्वायर बोला ना, अरे हुआ कि नहीं, थ्री प्लस थ्री थ्री तो होगा कट तो गया, हाँ ठीक है, हम तो बोलते इसको उड़ा दो, उड़ा सकती हो उड़ा देंगे इसको, वन बाय साइन और सेक सेक कॉस, चलो इसको नोट करो, इसको कर लेगा आराम से, वो तो हो जाएगा इसको कर लेगा, इसको नोट करो, सर ये फॉर्मूला
प्लस कॉस जो एक्स का होल सर कॉट एक्स माइनस टेन एक्स को कॉस टू टू कॉस ए का टू कॉस ए माइनस इधर उधर करें रेशनलाइज करके देखो ना हो सकता है कुछ रेशनलाइज करके ट्राई करो कलम चलाओ कलम चलाओ इंटीग्रेशन है यहाँ कलम चलाना बनता है जलंधर सॉल्व करो इसको कौन रखो स्टार्ट करो इंटीग्रेशन क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है ठीक सुबह 10 से चलेगा क्लास 12 का बता दे 10 से 2 बजे तक इलेवन का चलेगा 2 से 4 बजे तक अब उधर में जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो 4 बजे के बाद रुकेगा समझा किसी कोई डाउट उठ रहा है हाँ जिसका बैकलॉग है छोड़ दिया है डाउट है छोड़ दिया डाउट है ठीक है टाइम एकदम नहीं मैनेज पा रहा उधर अगर मैं नहीं दे पा रही थी इधर में 10 बजे लेकर 4 बजे 2 बजे तक 4 घंटे इधर 4 बजे से 2 बजे तक किसे जो बैकलॉग का है उसका ना 4 घंटा क्लास 12 को दे रहे ठीक है 2 घंटा क्लास 7 को 1 2 घंटा को कुछ को भी लेना पड़ेगा पेपर ही बनाना ना जाकर टेस्ट सीरीज कैसे बनाएंगे टाइम नहीं मिलेगा तो टेस्ट बनाएंगे कैसे आप टाइम का चाहिए ना सीरीज चलो उसको जल्दी दे कॉस 4 है रेशनलाइज कर दियो बोला ठीक है बहुत सारा सवाल है सवाल करते रहते हम इसका सर दोनों यही बुक लगा सब आगे सब सर 1 बाय cot x चलो तो कैसे करके आता है और सर cos 4x बाय cot x माइनस tan x रेशनलाइज होगी और दूसरा गलत गलत का वही है रेशनलाइज सोच रहे कब कैसे खाकर खत्म करें इतना बैकलॉग लगा कोई चैलेंजर क्या हो मिले मेरी को भी पता हमको डिमोटिवेट कर देगा तुम लोग पता लेकिन यही बात है इतना पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर कि डिमोटिवेट नहीं होते नहीं हो जाएगा किसका किसका बैकलॉग है सब बैकलॉग लगा बैठा था वो ये बैच ही बैकलॉग वाला है रिसावास खुद ही नहीं लग रहा सावेज सावेज कुछ 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 छोड़ करके कौन है कुछ कुछ 11th का बैच नहीं 12th का बैच 11 12th में सब बैकलॉग है वही तो बोले कि 12th का बैच ही बैकलॉग के लिए छोड़ के बोलते इलेवन में सब बैकलॉग है तुम लोग छोटा बच्चा का चाहिए छोटा बच्चा को माफी नहीं मिलते छोटी बच्ची हो क्या रैशनलाइज करना अरे हाँ कमरा का उसको मालूम है टाइमिंग सर वो स्विमिंग पूल क्या कहे हाँ स्कूल लगा है कहाँ गया बाथरूम हुआ अरे नहीं सर बाथरूम हुआ उस वाटर पार्क स्विमिंग पूल जल्दी जल्द बात में नहीं रुके कॉल करते दिल के वही लगा लगा दी सर भी आज सर देखो इस चीज को ध्यान से देखो दो कंडीशन मिल सकता है केस वन और एक सर एफ डैश और डबल डैश करके मत समझाइएगा केस टू हमको फिर कुछ समझ नहीं आएगा जैसे कि इंटीग्रेशन है मान लो टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या निकाल लो इसका वैल्यू
क्या निकाल सकते हो? सोचो सोचो, ट्राई करो तो। सर x स्क्वायर तो 2x होता है। सोचो क्या निकाल सकते हो? मतलब क्या इस टाइप का चीज निकाल सकते हो? डिग्रेशन सर u by v वाला था क्या? u by v इतना जल्दी नहीं है? u by v इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। बताओ क्या निकाल सकते हो? ट्राई करके देख लो, अवकाश से दिमाग देख लो, बोल दो अवकाश से बाहर है, बन जाएगा। बुलाल अंश बन सकता है? बेसिक वाला था खोलो, सीधी करो, ये भी बोलना पड़ेगा। बताओ माइकल का लाया, देखो बोलो सोता ये फॉर्मूला सीट लाइन यहाँ चिपकवा देंगे, यहाँ 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 हर जगह पीरियोडिक टेबल भी बड़ा सेक्शन। हाँ एक बड़ा सा चार्ट हम कर ही बोल रहे हैं, फिर आप फॉर्मूला लेंगे और देखो यहाँ क्या है। कुछ ऑब्जर्व करो, देखो कुछ ऑब्जर्व करो, ये ध्यान दो इसमें, इसे ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन देखो। नीचे में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, आंसर ध्यान दो, नीचे में क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 9। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? 2x। क्या मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? यहां देखो, यहां है मेरे पास साइन एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स। बोला हाँ ना? अरे मिलेगा नहीं? जब भी तुमको नीचे में, याद रखना, याद रखना, जब भी तुमको नीचे में कोई फंक्शन दिख जाए, ये कोई फंक्शन है ना, रहेगी नहीं, और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिख जाए, अब ऐसा मतलब क्या था डिफरेंशिएशन? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोल रहे बाबा। नीचे में कोई फंक्शन दिखे, ऊपर में उसका क्या दिखे? डिफरेंशिएशन। ऐसा दिख जाए तब देन लेट एफ एक्स बराबर टी, एफ एक्स को क्या मान लेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे? किसे? टी से। किसे? जो हम लोग एक जो क्वेश्चन है, हाँ हाँ, जो आप करवाए थे, समझ रहे हो? और एक केस और मिल सकता है, एक केस वन था, एक केस टू में क्या हो सकता है? अगर तुमको इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन दिखे और उसका बगल में डिफरेंशिएशन दिखे, क्या दिखे उसका? एक कहां दिखा? नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर और बगल में, नीचे डिफरेंशिएशन नहीं दिखना चाहिए, नीचे डिफरेंशिएशन ऊपर, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कहां रहेगा हमेशा? न्यूमरेटर में कहां रहेगा? इसका डिफरेंशिएशन कहां? बगल में। देन लेट एफ एक्स बराबर टी, यहां भी क्या करेंगे? एफ एक्स को क्या मानेंगे? टी। इस दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा? एफ एक्स को हटा करके कौन ला दिए? टी। क्या ला दिए? ऐसा हो गया, बोलना है ना? मतलब इसको अगर बढ़िया से ऑब्जर्व करें, ध्यान दो, तो एफ एक्स क्या जाएगा? टी हो जाएगा कि नहीं? देखो जाते हैं, तो यहां से ये बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा? टी। बोला भाई ना? हो जाएगा कि नहीं? अरे हो जाएगा ना। अभी देखो, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, मतलब डी डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बराबर डी डी एक्स ऑफ टी, बोला हाँ ना होगा कि दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा कि नहीं, क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स और नाइन का जीरो, नाइन का बोला हाँ ना, और इधर क्या जाएगा डी टी बाय डी एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो चले क्या जाएगा टू एक्स डी एक्स खाली क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जाएगा डी टी, बोला हाँ ना, बोला हाँ ना, इस दोनों चीज पे गौर फरमाइए। हाँ नीचे में जो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन था उसकी जगह क्या लिख देंगे टी, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे टी, टू एक्स डी एक्स जगह क्या लिख देंगे डी टी, बोला हाँ ना, डी टी कट जाएगा, कैसे कटेगा डी टी है ये क्या हो गया ध्यान से देखो इसमें इंटीग्रेशन वन बाई टी डी टी नहीं दिख रहा, अरे वन इंटू डी टी नहीं दिख रहा, वन बाई एक्स क्या होता था लॉग एक्स, तो वन बाई टी क्या जाएगा लॉग टी, मतलब क्या जाएगा लॉग टी प्लस सी, टी क्या लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस फुट करते हैं वैल्यू भाई उधारी उधारी हमने रखते हैं ठीक है ना, जैसे लिए थे वैसे लौटा दिए, मतलब इसका इंटीग्रेशन ऐसे समझ में आया ये सब, जैसे इसको देखो देखो यहां देखो यहां से क्या जाएगा साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे टी ना माने ही नहीं, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो आगे, अरे डी डी एक्स सब समझ रहे मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, बोलो हाँ या ना, कोई नहीं ध्यान से देखो पुट करते पहले साइन एक्स बराबर क्या मानेंगे कॉस एक्स डी एक्स क्या जाएगा यहां क्या जाएगा टी डी टी मतलब टी स्क्वायर बाय टू टी पावर वन प्लस वन बाय टू है कि नहीं, एन का वैल्यू कितना वन है ना, मतलब टी पावर वन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस मतलब टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, बोलो है ना टी क्या था मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये है सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है दो तरह के केस मिलेगा एक नीचे ऊपर एक तरह का बगल वाला एक तो करो नोट करो सुनो को सवाल यहां से सबसे ज्यादा गिरता है बोर्ड, बोर्ड में मेंस में सब जगह गिरेगा, एसी में तो खाली भर भर के है सब्स्टिट्यूशन बता दे ओए एसी में इंटीग्रेशन भर भर के एसी और ईएमआई में, ईएमआई में ईएमआई और एसी में बताते हैं ठीक है इधर इधर नहीं लिख रहे फोटो नहीं वीडियो में तो हमें जरूरत खुलेगी हो गया लेकिन आपका वीडियो कॉल के थोड़ा ना देखता है कोई वीडियो कोई ना पड़ जाए देखिए ना सर बेइज्जती कर दी ना सर ओ या क्या हां क्या भूल जाओ ये नहीं है कोने वाला है वो फाइनल है दूसरे वीडियो तो फाइनल है अच्छा इस फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र का है क्योंकि रणवीर कपूर के पास ब्रह्मास्त्र रहता है मतलब सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र मतलब पता है क्या होता है ब्रह्मास्त्र मतलब पता है तुम्हें क्या होता है ब्रह्मास्त्र जो वड़ा है ना ब्रह्मास्त्र है बता उसमें होता है क्या तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली शस्त्र है लेकिन वो शस्त्र को तुम एक ही बार यूज कर सकते हो अगर वो खाली तो जाएगा नहीं खाली गया मतलब है एक ही बार यूज कर सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आखिरी बोलते हैं ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र मेरे पास भी है बोर्ड वाला जो ये लोग देंगे वो तो लोगों को भी देंगे वो ब्रह्मास्त्र है सब कोई रखता ब्रह्मास्त्र कोई ब्रह्मास्त्र सीरीज चला देता है यूट्यूब पर ब्रह्मास्त्र सीरीज अच्छा अगला क्षेत्र यकीन आया ब्रह्मास्त्र जी भी आएगा कुछ दिनों बाद
आपका डेफिनेशन लेकिन मिथोलॉजी के हिसाब से गलत है। हाँ उसके हिसाब से गलत है। लेकिन बता दे लेकिन असली मीनिंग यही है बता दे उसको छोड़ो लेकिन कोई भी आदमी कुछ बोल के निकल जाता। आजकल गीत से सुनना देखो जैसे होता नहीं है आज गीत से हमसे कोई और कुछ सुना वो आगे चले थोड़ा सा मिलाक बताएगा वो उसको थोड़ा मिलाक बताएगा ऐसे मिलाक बताएगा थोड़ा सा मिलाक बताएगा। अब अगला जो बताया जो अगली बात दे रहे थोड़ा भाष डिफरेंस दिखेगा तुमको मतलब ऑपोजिट मीनिंग दिखेगा। सही क्वेश्चन देखो इवेल्युएट एकदम शुरू हो जाओ नंबर ए 3x प्लस 1 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इसको कैसे सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे चलो हो गया। अरे आगे सर देखो यहाँ क्या करते हैं नीचे को टी मान लो देखो नीचे का लग रहा लगभग लगभग देखो पहचाने तरीका क्या है सुनो पहचाने तरीका क्या है नीचे पावर ज्यादा दिखे ऊपर पावर एक तरीका पहचानने का अरे हाँ स्क्वायर का एक्स देगा एक्स का कांस्टेंट देगा कांस्टेंट का जीरो देगा एन का एन माइनस वन देगा रहा ना एक तरीका दूसरा साइन है तो कॉस देगा कॉस है तो साइन देगा टैन है तो ये देगा अलाना है तो फलाना देगा समझ रहे हो थोड़ा सा इंटरेक्शन बनना चाहिए समझ रहा तो नीचे देखो पावर टू है वन है जीरो है मान लेते लेट देखो लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 तो क्या जाएगा u बराबर t क्या मान लियो तो क्या जाएगा 6x प्लस 2 बराबर dt अपॉन dx बुलाया ना यहां से 2 कॉमन लो क्या जाएगा 3x प्लस 1 बराबर dt अपॉन यहां क्या दिख रहा 3x प्लस 1 dx दिख रहा dx को ऊपर ले जाए 2 को नीचे ला बोला है ना 3x को 1 dx दिख रहा नया इसको ऊपर ले जाए इसको नीचे ला सकते हैं ला सकते हैं ना क्लास में क्या जाएगा 3x प्लस 1 dx बराबर dt अपॉन 2 बोला है ना अच्छा अरे हाँ या ना अब सब्स्टिट्यूट करो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं देखो नीचे में क्या जाए नीचे क्या जाए अच्छा क्यूब था ये क्या क्वेश्चन में क्यूब नहीं दिया अरे वो डीटी बाय टी और होल क्यूब का मतलब होल क्यूब टी क्यूब एक क्यूब में तो अभी भी समझ नहीं आ रहा नीचे को टी माने हाँ उसका डिफरेंशिएट कितना आया डिफरेंशिएशन हाँ मतलब नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर नीचे ऊपर में डिफरेंशिएशन दिखेगा तब हाँ ठीक है नीचे वाला गेन करेंगे तो dt by dx आएगा इसको ऊपर लेंगे तो कॉमन निकाल के नीचे लेंगे हाँ बस ये चीज मिला क्योंकि ये चीज ऊपर में था फिर बात कर रहा है ध्यान दे ऊपर में था तो यहां से क्या जाएगा ऊपर में ये चीज क्या बन गया dt by 2 है कि नहीं dt by अरे ये चीज हमको क्या बन गया 1 by t अरे बोलो है ना है कि नहीं बोलो है ना हाँ, 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 हाँ. अरे समझा नहीं नहीं हम अंदर पूरा को नहीं माने हम पूरा को टी नहीं माने सुनो
हम 3x² प्लस 2x प्लस 1 का होल क्यूब को t नहीं माने हैं, हम सिर्फ अंदर वाला को t माने हैं। पावर कितना? पावर क्यूब था। देखो हम अंदर वाला को खाली t माने हैं, ठीक है, पावर को लेके t मत मानना। हम बता दे रहे कभी कभार पड़ता है जरूरत। देखो ये चीज बता दें, इंटीग्रेशन तुम लोग नया चीज है कि नहीं? तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें बहुत ज्यादा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री 1920 में ये था नया नया हालत खराब होता था, वैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा दो तीन दिन चार पांच दिन प्रैक्टिस करेगा ना, बातचीत होने लगेगा उससे, सब ठीक है, दोस्त बन जाएगा। ठीक है ध्यान दो। देखो अब क्या हो गया, ध्यान दो, हो जाएगा ये 1/2 टी का पावर -3 डी टी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 1/2 टी का पावर -3 प्लस 1/-3 + 1। बोलो हाँ या ना। मतलब 1/2 टी का पावर -2/-2 मतलब -1/4 इंटू 1/t का स्क्वायर। सॉल्व कर दे रहे, क्या कर दे रहे, सॉल्व कर रहे, क्या कर रहे, कैलकुलेशन में क्या कैलकुलेशन आता है ना तुम लोगों, अरे हाँ है ना, तुम लोग क्या बोले सुनो दिया 1/t का वैल्यू क्या दिया, ये t क्या था, ये था ना, पुट कर दो, सुनो दिया इतने में लोग बताओ, हालत खराब होगी, एक बार देखना रिपीट करवाएंगे उनको। दिसंबर लगभग में खत्म, ये दिसंबर बोले स्कूल में
एक अगला महीना खत्म कर देंगे अगर दो महीने एक दो महीने और उसके बाद फिर ट्वेल्थ पे स्टार्ट करवा देंगे डिफरेंशिएशन के लिए स्कूल में करेंगे ना तो भी तो है हमने क्लास नंबर कितना बचा अरे बहुत बच गया है स्कूल जगह नहीं मिलता सर जेईई या नीट के लिए आप कौन सी क्लासेस प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लासेस मतलब डिपेंडिंग ऑन बिजनेस है क्लास 4 से 5 से 6 से मैं 4 5 से नहीं ले सकती नहीं मतलब 7 से 8 प्रिपरेशन कॉलेज डिपेंड करता है स्टूडेंट कैसा मतलब वो गेन मतलब वो रख पा रहा है नॉलेज की नहीं अब वो सुधांशु क्या सुधांशु 6 में देंगे देखो उसको 6 में देंगे ठीक है लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं 6 में लेंगे 5 में भी आई 5 में तो लोग नर्सरी भी नहीं पढ़ा 11 साल हो गए क्या बेटा तो क्या करेगा सर 11 साल हो गए क्या अभी छुट्टी दिए सर झलक होना चाहिए उसको पहचान होना चाहिए जब हम उसको बताए ना अरे हाँ डरना नहीं चाहिए अचानक तुम लोग को दिखा देंगे ना डबल जब तुम अचानक तुम लोग ये सब चीज दिखा देगा ना डर जाएगा तो बोला एग्जाम बना चुके हैं चार इंटीग्रेशन फोर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन तो बन सब ट्रिपल बना चुके हैं लेकिन भूल गया तो इसकी रीजन नहीं किसी में सर और तुम ये बनाया होगा तुम तरह दे बता रहे UVDX ये वाला बताया तो उसको बता रहे हां ऐसा बना ये सब बनाया है बता रहे समझे ये नहीं बोल रहे हम ये बोल रहे डबल बना है ट्रिपल ही बना है हम बोल रहे इंटीग्रेशन के अंदर बोल रहे हैं इंटीग्रेशन नहीं समझ रहे साथ में वो नहीं बनाए वो ट्वेल्थ में ही नहीं है वो ग्रेजुएशन लेवल पे ठीक है जब तुम आईटीएम जाएगी तब सीखेगी अभी नहीं सीखोगे बड़ा बड़ा ऑथर का बुक पढ़ना जैसे ऑर्गेलियन का हो गया शांति नारायण का पीके मित्तल सब बुक पढ़ना आप पढ़ लिए सर हाँ तो घर में रखा है 18 बुक खत्म की एक बुक जिसे डिफरेंशियल का एक बुक है इंटीग्रेशन का दो बुक रियल एनालिसिस का सिर्फ एक बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक बुक रियल अलजेब्रा का एक बुक इतना करने से क्या होता है कंसेप्ट खुल गया है समझे अब दुनिया में कोई भी चीज देखेंगे तो अधिक तरीका हाँ ऐसे हो सकता है इसको आगे चल के इससे होगा और उसके बाद ऐसे होगा ऐसे ऐसे आया था एलन मस्क क्या बोला डिग्री डजंट मैटर मेरा भी कौन ईयर सेकेंड ईयर हम सेकेंड ईयर में लेकिन मेरा ग्रेजुएशन सिलेबस कंप्लीट है मैं आपसे ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में है हां सोच रहा खुल के बोल दे कोई फर्क पड़ता है देखो लेकिन हम बता दे रहे ग्रेजुएशन वाला भी सामने नहीं सकेगा हम तो भाई YouTube पे सोचे टाइम नहीं मिला लेकिन तो ये पोस्ट डाल ही देते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वीडियो बनाएंगे लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था टाइम नहीं मिल पा रहा था इसमें देखो भाई साइन को मान लेते हैं टी तो कॉस एक्स डी एक्स क्या जाएगा डी टी हुआ कि नहीं जाएगा टी क्यूब डी टी टी का पावर 4/4 प्लस सी मतलब साइन का पावर 4x/4 प्लस सी 2019 पास आउट है पता 12 तीन साल हुआ है एक वर्ष के हिसाब से 19 साल सीरियसली मजाक कर रहे क्या बॉन ईयर क्या है आपका 22/9/2003 झूठ है ये 5 दिन बाद बर्थडे मेरा सर झूठ है ये एक्चुअल बॉन ईयर बताइए ना एक्चुअल नहीं है सर झूठ है सर ये एक्चुअल कौन बोले झूठ है एक्चुअल है तो एक्चुअल 2003 है ठीक है असली आधार कार्ड देखा आधार कार्ड ऐसा तो होता है तो सबको जितना आधार कार्ड सब फेंक गया डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड जो लगे सब दिखा देंगे बोर्ड रजिस्ट्रेशन
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में दो तीन चीज होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, डेट ऑफ इशू होता है, डेट ऑफ इशू भी विद इन वन ईयर, ठीक है ना, जिस हॉस्पिटल से इशू किया है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी विद इन वन ईयर है, ये सीएमई वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, जो क्रिकेट में खेला जाता है ना, जैसे सीएम वेरीफाई करता है, क्राइटेरिया है क्या, कुछ क्राइटेरिया है कि डेट ऑफ बर्थ पता है सर मेरा ना, 1 जनवरी आएगा ना तो 18 साल का हो जाए, चलो वैसे 1 साल बड़ा है छोटा है पर सर वो है ही नहीं मेरा सर मेरा गलत डेट ऑफ बर्थ है, क्वेश्चन देखो क्योंकि अभी तो कुछ 17 का 2 तारीख को क्या बोला है अरे मत बोलो, मेरा चाचा लोग इतनी थी रिलेशन बन सकता है, ए बैठो चले छुट्टी 10 मिनट 5 मिनट अरे जा रहा है नोट गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ओके फिनी दिन रो अभी डे कहाँ चल रहा है, इवनिंग है, हम लोग वहां से डिनर जा, तुम्हें भरोसा नहीं होगा मेरे ऊपर, नहीं सर, अरे यार 21 के लेके 21 के नहीं मिला के तुझे क्या मुझे स्केप कैसे हो जाएगा 22 नो है 22 में 22 में एक चीज सीखे पता है डिसिप्लिन पॉलिटिशियन भरोसा बाबरे बाब पॉलिटिशियन से दूर रहो, मोदी जी तो चीता ही की है, सुन पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स एकदम कोसो दूर रहो, देखता था ये सब चीज में तो मुंह कभी आसान नहीं है, दोस्त गया ना जेल में थोड़ी तो बोल रहा ना, मेरा दोस्त का कहानी बताएं तो लोग मर्डर किए, हाँ नहीं बताया सो वीडियो दोस्त मत बोली क्लासमेट बोली इनके ये फेमस रहता है हाइब्रिड सीड रहता समथिंग कुछ जो इंक्रीज कर देता है तुम्हारे एग्रीकल्चर में समथिंग में करो उसमें जानो इसमें क्या करेंगे कुछ बढ़िया समझे तो tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा tan x को sec square x है ना tan x को क्या मान लेंगे तो क्या जाएगा sec square x dx बराबर dt क्यूब है ना सर ऊपर में अगर तुम क्यूब को नहीं छोड़ रहे उसको छोड़ छेड़छाड़ नहीं कर रहे खाली टेन को ले रहे क्या जाएगा टी क्यूब डी टी होगा मैंने बिना होगा ना प्रैक्टिस कर चाहिए इसमें ठीक है ना टी का पावर 4 + 4 + c मतलब क्या जाएगा टी क्या है टेन का पावर 4x + c बोलो मैं ना क्लियर ऐसा सवाल दे देंगे बहुत सारा बना लो फिर बना लो एक्स और मजा नहीं आ रहा करने में सीख गया ना इसलिए मजा आ रहा है कि नहीं है कि नहीं समझ आ रहा पहचानना है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तभी होगा नहीं याद है नहीं होगा जाके कर लोगे ठीक है ना बता ठीक है आपका केमिस्ट्री का क्लास के में शुरू हो जाएगा बहुत लंबा क्लास चल रहा है मैं तो है ना ग्रुप में सर कल संडे है ना सर कितना बजे क्लास है हमारा कल क्या होगा कल संडे है ना कल टेस्ट होगा किसी का नहीं होगा अरे नहीं कल उन लोग का टेस्ट है नहीं कल नहीं कल नहीं होगा कल टेस्ट है नहीं आना हाँ टेस्ट नहीं आना हम बता देंगे रुको अभी कुछ समझ रहे हम कुछ कुछ बोल देंगे जो तो बोल देंगे हाँ 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 कुछ भी बोल देते हैं सारी बात हो जाता है आपको कुछ समझ नहीं आता क्या करना है इतना दिन एक बार में दिल कहाँ पे चले गए माइंड में आपसे कुछ पूछेंगे हाँ ठीक है आप बोलेंगे हाँ ऐसा होगा अभी 2 सेकंड बाद आप बताएंगे ऐसे नहीं होगा आपका मतलब आपको कुछ समझ नहीं आता अचानक तो पीछे था हाँ एक चीज़ था
ना नहीं बोलते ना बोलने नहीं आते हो। इसमें क्या करें, किसको टी मानेंगे, किसको टी, किसको मानेंगे, लॉग एक्स को क्या मानेंगे, अबे लॉग एक्स क्या जाएगा, तो क्या जाएगा वन बाय एक्स डी एक्स बराबर डी टी, मतलब टी क्यूब डी टी, मतलब टी का पावर फोर प्लस फोर बाय सी, मतलब लॉग एक्स का पावर फोर बाय फोर प्लस, बोला है ना, इजी है ना, चल रहा है।